गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिलेशन में। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों की काफी सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, कि कैश पेमेंट का लिमिट कितना है, 20,000 है या 10,000 है, और उसका जो पेमेंट का जो लिमिट है उसमें क्या क्या चीजों का हम लोग को ध्यान रखना है, और एक दिन में हम लोग कितना कैश पेमेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स का जो प्रोविजंस है और जो जीएसटी का प्रोविजंस है उसमें कुछ भी लिमिट दी गई है या नहीं दी गई है। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, ताकि आपको कैश पेमेंट से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजंस हैं वो दूर हो सके और आप अपनी पेमेंट्स जो है अकॉर्डिंगली सही तरीके से कर पाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कैश पेमेंट, एक दिन में कितना कैश पे कर सकते हैं, चाहे वो परचेजेस के लिए हो चाहे वो एक्सपेंसेस के लिए हो, तो कितना हम लोगों को कैश पेमेंट करना अलाउड है इनकम टैक्स में। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप अगर हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख करके कुछ समझ पाए और अपनी कैश पेमेंट जो है अकॉर्डिंगली सही प्रोविजंस को फॉलो करते हुए कर पाए। सबसे पहले है सेक्शन 40A3 सब क्लॉज 3। तो ये 40A3 ये डील करता है कैश पेमेंट्स के रिलेशन में। और मैं एक चीज बता दूं कि जीएसटी के अंदर कोई ऐसी लिमिट नहीं है जो कि आपको रेस्ट्रिक्ट करती हो कैश पेमेंट करने से। आप जितनी मर्जी पेमेंट कीजिए कैश में, जीएसटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीएसटी में कोई लिमिट नहीं है कैश पेमेंट करने के लिए। जो भी लिमिटेशंस हैं वो इनकम टैक्स के अंदर हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 40A3 क्या कहता है। इफ एन एसएससी, एक बंदा, एसएससी इंक्लूड्स एवरीवन, एक आदमी या एक पर्सन या एक एसएससी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर, कोई एक एक्सपेंडिचर इनकर होता है फॉर विच पेमेंट ऑफ मोर देन 10,000। ये जो लिमिट है ये काफी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इस चीज को। फ्रॉम असेसमेंट ईयर 18-19 ये जो है 10,000 कर दिया गया। इससे पहले ये लिमिट जो था वो था ₹20,000 का, तो उस 20,000 की लिमिट को डिक्रीज करके 10,000 कर दिया गया था पिछले साल से। तो इस चीज में काफी लोग मेरे से क्वेरीज कर रहे थे। मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि कैश लिमिट, कैश बिल की लिमिट कितनी है। तो उसमें मैंने बताया था लास्ट में जाकर के कि 20,000 का लिमिट जो है 10,000 हुआ था। तो लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर ये 20,000 का 10,000 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो पेमेंट करेंगे वो 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए कैश के अंदर। पहले ये लिमिट 20,000 थी 17-18 असेसमेंट ईयर तक। इफ एन एसएससी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर फॉर विच पेमेंट ऑफ मोर देन 10,000 इज मेड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, 100% ऑफ सच एक्सपेंसेस और परचेजेस विल बी डिसअलाउड। अगर आप कोई एक एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई एक बिल परचेज करते हैं, कोई एक खर्चा करते हैं, और उसका पेमेंट, दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए, और उसका पेमेंट आप 10,000 से ऊपर कर देते हैं, और जो पेमेंट आप करते हैं वो अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के अलावा किसी और मोड से, या तो आप कैश में कर देते हैं, या आप बेयरर चेक दे देते हैं, या आप क्रॉस चेक दे देते हैं, तो इन सारे क्रॉस चेक्स, बेयरर चेक्स, कैश में अगर आप पेमेंट करते हैं तो जो भी आपने एक्सपेंसेस या जो भी आपने परचेजेस अपने बुक्स में दिखाई होंगी वो सारी की सारी परचेजेस डिसअलाउ कर दी जाएंगी और आपके इनकम में ऐड हो जाएंगी, जिससे आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा। 100% ऑफ सच एक्सपेंसेस और परचेजेस विल बी डिसअलाउड इफ द एग्रीगेट पेमेंट इन कैश। अब इस चीज को थोड़ा सा ब्रॉड करके समझते हैं कि क्या क्या चीजों का, कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है इस प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए। इफ द एग्रीगेट पेमेंट, अगर टोटल पेमेंट इन कैश या बेयरर चेक या क्रॉस चेक टू द सेम पर्सन ड्यूरिंग अ डे एक्सीड्स ₹10,000, एंटायर पेमेंट विल बी डिसअलाउड। अगर एक आदमी को, एक पर्सन को एक दिन में 10,000 से ऊपर की पेमेंट करते हैं, कैश में हो या बेयरर चेक से हो या क्रॉस चेक से हो, तो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर अगर 10,000 से ऊपर का है और उसके पूरी की पूरी पेमेंट हम लोग एक ही दिन में एक ही आदमी को कर दे रहे हैं 10,000 से ऊपर कैश के अंदर, तो आपका जो पूरा का खर्चा है वो पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा और पूरे पे आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर एप्लीकेबल रेट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स के साथ भी, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। दूसरी पॉइंट है, इफ पेमेंट ऑफ टू बिल्स, अगर दो बिल्स है बोथ लेस देन 10,000, दो बिल्स है, दोनों की जो वैल्यू है वो 10,000 से कम की है एट द सेम टाइम, इन कैश और बेयरर चेक,
एक्सपेंसेस पेमेंट विल बी विल नॉट बी डिसअलाउ। दो बिल्स हैं, दोनों बिल्स का जो बिल वैल्यू है वो 10,000 से कम है, लेकिन दोनों को जब टोटल कर देते हैं और वो पेमेंट आपने कर दिया 10,000 से ऊपर हो जाता है, तब आपको कोई भी डिसअलाउंसेस नहीं लेनी होगी, क्योंकि डिसअलाउंसेस के लिए आपको दो कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। एक तो आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए 10,000 से ऊपर, और साथ ही साथ उसका पेमेंट जो है वो 10,000 से ऊपर होना चाहिए। पहले जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था उसमें था कि सेम पर्सन को 10,000 से ऊपर पेमेंट हमने कर दिया और उसका एक्सपेंडिचर भी अगर 10,000 से ऊपर था तो डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरे में क्या है, एक्सपेंडिचर 10,000 से कम का है लेकिन पेमेंट हमने 10,000 से ऊपर कर दिया है तो डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर 10,000 से कम का है। तीसरा पॉइंट है, पेमेंट इज मेड ओवर 10,000 एट अ टाइम। पेमेंट जो है 10,000 रुपए हो गई है, उससे ऊपर हो गई है एक समय में, पार्टली बाय अकाउंट पे चेक एंड पार्टली इन कैश, आधा आधा, कुछ चेक में हुआ कुछ कैश में हुआ टू सम पार्टीज, एंड अमाउंट पेड इन कैश एट वन टाइम इज लेस देन 10,000। 40A3 इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहां पर जो है जो कैश में पेमेंट हुआ है वो 10,000 से कम का हुआ है, इसीलिए आपको जो है 40A3 का डिसअलाउंसेस नहीं लगेगा। पेमेंट इज मेड ओवर 10,000 एट अ टाइम, पार्टली बाय अकाउंट पे चेक एंड पार्टली इन कैश टू सम पार्टीज, एंड अमाउंट पेड इन कैश एट वन टाइम इज लेस देन 10,000। आपने कुछ पेमेंट किया है जो कि टोटल पेमेंट 10,000 से ऊपर है, लेकिन आपने जो पार्ट पे किया है कैश में वो 10,000 से कम है, और जो आपने चेक से पे किया है अकाउंट पे चेक से वो 10,000 से ऊपर है, तो इसलिए 40A3 नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जो पार्ट कैश में पे किया है वो जो है 10,000 से कम का है। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस 40A3 को समझने के लिए ये बताना जरूरी था आपको। तो अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये 10,000 का लिमिट जो है वो किस चीज के लिए है और वो पहले 20,000 किस साल तक था। अब आइए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है सबसे पहले गुड्स परचेज ऑन 6 मई 2018 ऑफ ₹86,000 एंड पेमेंट इज डन एज फॉलोज। एक डीलर है ए, उसने एक परचेज किया है, 6 मई 2018 का बिल है, उसने 86,000 का एक परचेज किया और पेमेंट वो कर रहा है 15,000 इन कैश ऑन 11 मई 2018। चूंकि एक्सपेंडिचर बिल 10,000 से ऊपर है, तो अब इस बिल के अगेंस्ट में आपने पेमेंट कर दिया 15,000 जो कि 10,000 से ऊपर है, तो इस सिचुएशन में दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, बिल भी 10,000 से ऊपर, पेमेंट भी 10,000 से ऊपर, तो आपका जो खर्चा है 15,000 का वो डिसअलाउ हो गया यहां पर। दूसरा है 30,000 बाय क्रॉस्ड चेक। एक्सपेंडिचर 10,000 से ऊपर है, पेमेंट भी आपका अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट होना चाहिए, बेरर चेक या क्रॉस चेक या कैश नहीं चलेगा, वो डिसअलाउड है। अगर आपने क्रॉस चेक से पेमेंट किया है 30,000 तो यह भी लिमिट क्रॉस कर गया है 10,000 का, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, यहां पर भी आपको डिसअलाउंसेस का सामना करना पड़ेगा और टैक्स लायबिलिटी आपकी बन जाएगी। 41,000 बाय अकाउंट पे चेक, और बैलेंस का जो 41,000 है वो आपने पे किया है अकाउंट पे चेक से, तो आपका जो परचेजेस था 86,000 का, 86,000 का आप जीएसटी के अंदर तो क्रेडिट ले लेंगे पूरे का पूरा, लेकिन इनकम टैक्स जब कैलकुलेट करेंगे तब आप परचेजेस जो अपना लेंगे वो 86,000 नहीं ले पाएंगे, उसमें से आपको 45,000 डिसअलाउ करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 41,000 का ही आप परचेज ले पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आपका ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट जो कर दिया है वो 10,000 से ऊपर कर दिया है, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक एंड अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम्स। ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा है गुड्स परचेज ऑन 10 मई 2018 फॉर ₹16,000 एंड 30th May 2018 फॉर ₹15,000। सॉरी, यहाँ पे 16,000 नहीं होगा और यहाँ पे 15,000 नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था 6,000 एंड 5,000। ये बाय मिस्टेक मैंने 16 और 15 लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था 6,000 एंड 5,000। और पेमेंट बाय बेयरर चेक ऑन 1st जून 2018 इज ₹11,000, फिर भी ये अलाउ हो जाता। आपने पेमेंट 11,000 कर दिया जो कि 10,000 से ऊपर है, फिर भी ये अलाउड है, लेकिन यहां पर जो है 6,000 और 5,000, चूंकि जो एक्सपेंडिचर है वो 10,000 से कम का है, आपने दो बिल्स लिए दोनों के 10,000 से कम की वैल्यू है और दोनों को मिलाकर के एक साथ पेमेंट कर दिया है जो कि 10,000 से ऊपर है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो खर्चा है वो अलाउ कर दिया जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर 10,000 से कम है। यहाँ पे 16,000 नहीं होता, 15,000 नहीं होता, यहाँ पे 6,000 एंड 5,000 मेरे को लिखना था। ये एग्जाम्पल मैंने एक्चुअली बना दिया है 20,000 को दिमाग में रखते हुए। अगर आप देखेंगे 20,000 की जगह 10,000 का लिमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी।
ये हो गया आपका कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको देने की प्रयास किया है कि आपको ये 10,000 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है कि आपने चाहे कितने भी पेमेंट करे हो, चाहे कितना भी परचेज किया हो, कोई लिमिटेशन नहीं है अगर इस एक्सेप्शंस में आप फॉल करते हैं। पहला एक्सेप्शन है पेमेंट टू बैंक्स। अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं बैंक्स को तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी कैश पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट टू गवर्नमेंट, अगर आप कुछ टैक्सेस पे करना चाहते हैं तो कितना भी अमाउंट हो टैक्सेस का आप कैश में पे कर सकते हैं, क्रॉस चेक पे कर सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट पे कर सकते हैं, कोई डिसअलाउंसेस नहीं है गवर्नमेंट को पेमेंट करने में। पेमेंट थ्रू बैंकिंग सिस्टम, अगर आप कुछ पेमेंट करना चाहते हैं थ्रू बैंकिंग सिस्टम सच एज लेटर ऑफ क्रेडिट्स वगैरह वगैरह, तो उसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी मर्जी हो आप कर सकते हैं। रूल 6DD इस चीज को अलाउ करता है और सेक्शन 40A3 एप्लीकेबल नहीं होगा। पेमेंट टू कल्टिवेटर्स, अगर आप फार्मर्स वगैरह को पेमेंट करते हैं फॉर क्रॉप्स, फॉर एनिमल हस्बेंड्री, फॉर फार्मर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स परचेज करने के लिए, तो उस पर आपको 40A3 का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा। आपको रूल 6DD में एग्जेम्पशन दी गई है कि आप कैश की पेमेंट विदाउट एनी लिमिट कर सकते हैं। पेमेंट टू कॉटेज इंडस्ट्री विदाउट एड ऑफ पावर, आप अगर वैसी कोई इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री से कुछ मटेरियल परचेज करते हो जो कि बिना किसी सहायता के, किसी गवर्नमेंट एड के चलती हो, तो उसमें आप कोई भी कैश पेमेंट कर सकते हो, कोई लिमिटेशन उसमें नहीं है, कोई डिसअलाउंसेस नहीं आएगी आपके एक्सपेंसेस या आपके परचेजेस पे। पेमेंट टू पर्सन इन विलेज नॉट सर्व्ड बाय एनी बैंक, आप ऐसे किसी बंदे को पेमेंट करते हैं जो कि एक ऐसे विलेज में रहता है जहां पर कोई बैंक नहीं है, कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, तो आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कैश की पेमेंट जितना हो सकता है आप कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ टर्मिनल बेनिफिट्स इफ अमाउंट इज लेस देन 50,000, अगर एक कंपनी है वो अपने एम्प्लॉई को कुछ टर्मिनल बेनिफिट्स देना चाहती है, कैश में पे करना चाहती है और वो अमाउंट 50,000 से कम है तो वो कर सकती है, 10,000 से ऊपर भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन अ बैंक हॉलीडे और बैंक स्ट्राइक, आपने कुछ बिल परचेज किया है और उस बिल की जो ड्यू डेट है, पेमेंट डेट है, वो उस दिन पड़ रही है जिस दिन बैंक की छुट्टी है या बैंक का स्ट्राइक है, तो आप उसमें कैश पेमेंट कर सकते हैं, डिसअलाउंसेस नहीं होगा। प्रूफ आपको करना होगा कि बैंक छुट्टी थी या बैंक का हॉलीडे था। पेमेंट बाय ऑथोराइज डीलर और मनी चेंजर फॉर फॉरेन करेंसी परचेज, अगर कोई एक मनी चेंजर है, कोई मनी डीलर है या कोई ऑथोराइज डीलर है जो कि फॉरेन करेंसी परचेज करना चाहता है, तो उसके लिए भी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो 10,000 से ऊपर की कैश पेमेंट करके फॉरेन करेंसी परचेज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल 6DD जो है इस चीज को अलाउ करता है। एक सेक्शन और है 40A(3A), इसमें ये बातें बोली गई है, ये मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ उसमें ज्यादा खास है नहीं। उसमें यह है कि आपने पिछले साल कुछ परचेज किया था और उसका पेमेंट आप करेंट ईयर में कर रहे हैं, तो जिस साल आपने परचेज किया उस साल तो आपने अलाउ करवा लिया होगा, क्योंकि पेमेंट ही आपने नहीं करा तो आपने जो भी परचेज किया होगा सारा का सारा क्रेडिट ले लिया होगा, सारा का सारा खर्चा भी बुक कर लिया होगा। अब आप पेमेंट कर रहे हैं करंट ईयर में, तो जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो एज पर 40A(3) अगर नहीं करेंगे तो करंट ईयर में आपको डिसअलाउंसेस और अलाउंसेस का सामना करना पड़ेगा, ये 40A(3A) कहता है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर कैश पेमेंट का क्या लिमिट है, 20,000 और 10,000 का क्या चक्कर है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी लोग कैश पेमेंट में कंफ्यूज हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं वो इस चीज को अच्छे से समझ पाए और अपनी पेमेंट जो है अकॉर्डिंगली शेड्यूल कर पाए। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।